जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है वर्टेस कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज अपन पढ़ रहे हैं समय और काम का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में अपन ने बेसिक क्वेश्चन लिए थे, इस टॉपिक को हमने समझा था। अब हम पार्ट सेकंड में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेंगे और ऐसे आगे वाले पार्ट में भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 20 तक क्वेश्चन मैंने पार्ट फर्स्ट में करा दिए थे, आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21। सम क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखो, ए अकेला एक खेत को 15 दिन में जोतता है और बी अकेला उस खेत को 12 दिन में जोतता है। ठीक है साहब, यदि ए ने अकेले उस खेत को, ठीक है, आरंभ से जोता और उसके कुछ दिन बाद बी उसके साथ आ गया और इस प्रकार से काम 7.5 दिन में पूरा हो जाता है। हमसे पूछा है ए और बी ने कितने दिन मिलकर काम किया, तो उसकी पिक्चर बनाओ। फर्स्ट आपका ये इंटेंशन होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। स्टार्टिंग में ए ने काम किया कुछ दिन बाद, हमें नहीं पता 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हमें ये नहीं पता। तो कितने दिन बाद हमें नहीं पता, तो हम उसके बाद कौन आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से खेत 7.5 दिन में जुट जाएगा। ठीक है, अब इसमें लॉजिक ढूंढो। इसमें लॉजिक ये मिल रहा है कि ए तो बेचारा शुरू से लेकर एंड तक काम कर रहा है, मतलब ए ने कितने दिन काम किया, 7.5 दिन। अब बी कितने दिन बाद आता है हमें नहीं पता, वही ये आपको मैंने सिखाया था। यहाँ क्या ले लेंगे अपन, 60। 60 क्या है, वो खेत है, वो 60 फुट का है, 60 गज का है, कुछ भी। ठीक है, अब इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 4, और इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। ये क्या है, ये 1 दिन में 4 फुट खेत जोतता है और ये भी 1 दिन में 5। हम इतना सा इसमें लॉजिक समझ में आ रहा है कि शुरू से लेकर एंड तक ए ने काम किया और 1 दिन में कितना करता है, 7.5, तो सॉरी पूरे दिन करता है 7.5, 1 दिन में करता है 4, तो 4 को हम 7.5 से काम कर देंगे तो क्या आएगा, 30। तो ए बोल रहा है कि भैया मैं तो 1 दिन में 4 फुट खेत जोतता हूँ और 7.5 दिन मैंने काम किया है, तो 30 फुट तो यहाँ आ जाएगा आपका 30। 30 फुट किसने काम किया, ए ने किया। इसका मतलब बचा हुआ कौन करेगा, बी करेगा। तो बी बोला ठीक है भैया मैं कर लूंगा, तो बी बोला मैं कर लूंगा, तो बी की कैपेसिटी कितनी है, 5, और उसको काम कितना करना है, 30। 30 कैसे, 60 में से 30 तो इसने किया ही है, बचा हुआ काम कितना है, 30। 30 कौन करेगा, बी करेगा, और बी की कैपेसिटी कितनी है 1 दिन की, 5, तो बी को कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। इसका मतलब बी जहां आया है उसके 6 दिन तक उसने काम किया। ठीक है, हम हमसे ये पूछ ले कि बी कितने दिन बाद आया, तो आप बताओगे 1.5 दिन बाद आया। ठीक है, ए और बी ने कितने दिन साथ काम किया, 6 दिन साथ काम किया। समझ में आ गया, हमें क्वेश्चन में सिर्फ लॉजिक ढूंढने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 22 हो क्या कह रहा है समझो। नमिता किसी काम को अकेले 8 दिन में करती है। ठीक है साहब, ठीक है, अकेले 2 दिन तक उसने काम किया, उसके बाद महेश उसकी सहायता करने लगा। यदि महेश अकेले इस काम को 10 दिन में करता है, महेश अकेले इस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो काम पूरा होने में कुल कितना दिन लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो कैसे करते हैं, पिक्चर बनाओ पहले। पिक्चर क्या बनेगी, स्टार्टिंग में किसने काम किया, नमिता ने, ठीक है, 2 दिन काम किया और 2 दिन बाद उसकी सहायता के लिए कौन आ गया, महेश आ गया, तो नमिता और अब कौन करेगा, महेश करेंगे। ठीक है, तो काम कुल कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो पहले, सबसे पहले हम यही क्या ले लेंगे, एलसीएम 40 ले लो, 80 ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो। ये 8 दिन में करते हैं तो 1 दिन में कितना करेगी, 5। ये 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगी, जो महेश 1 दिन में कितना करेगा, 4। अब देखो समझो, हमें इतना सा पता है कि नम्रता ने कितने दिन काम किया, 2, और नम्रता 1 दिन में कितना करती है, 5, तो 2 दिन में करेगी 10 फुट काम हो गया। 10 फुट काम हो गया, समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बचा कितना, 30 फुट। 30 कहां से आया, 40 फुट टोटल था, उसमें से 10 फुट हो गया, 30 है। इस 30 फुट काम को किसने किया, दोनों ने मिलके किया, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करते हैं, 9, तो टोटल काम कितना है, 30, और इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 9, तो कितने दिन लगेंगे। अब इसमें भाग दोगे 9 का तो क्या आएगा, 3 सही 1/3। हमसे पूछा गया है कि पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, तो भाई 2 दिन तो ये लगे,
और 3 दिन ये लगे, तो 5 सही 1/3 दिन इसको लगे। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, समझो, एक दिन की कैपेसिटी निकालो, उसने कितना काम किया है वो अपन समझते चलेंगे तो हो जाएगा। अब अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, और अच्छे क्वेश्चन आज से अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, कर्मचारियों का एक समूह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजे लेवल का क्वेश्चन है। एक समूह में व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं तो वह किसी काम को 50 दिन में पूरा कर देते हैं। मतलब एक आदमी एक कोई काम है उसको 50 दिन में पूरा कर देते हैं, बात समझ आ गई? ठीक है, पहले दिन एक आदमी ने काम किया, दूसरे दिन दो आदमी ने काम किया, तीसरे दिन तीन आदमी ने काम किया, और इस प्रकार से वो शामिल होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो काम को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे, थोड़ा सा लॉजिक समझो। अपन मान लेते हैं एक आदमी है, ठीक है, अपन काम कितना मान लेते हैं, तो ये आदमी है, काम टोटल मान लेते हैं 50, तो ये 50 और ये 50 दिन में करेगा, मतलब एक दिन में एक आदमी एक दिन में कितना करेगा, एक आदमी मैं स्पेस लिख देता हूं, एक आदमी एक दिन में एक फुट करेगा, तभी तो 50 फुट काम हो जाएगा, कितने दिन में, 50 दिन में। ये तो कह रहा है कि एक आदमी करेगा तो 50 दिन लगेगा, तो 50 दिन लगेगा, 50 ही काम मान लो, ये क्या हो गया पूरा काम। ठीक है, पूरा काम 50 है तो एक दिन में एक होगा, तो 50 काम 50 दिन में हो जाएगा। पहले दिन क्या हुआ, एक आदमी आएगा कितना काम होगा, एक। दूसरे दिन कितने आदमी आएंगे, दो, तो एक आदमी एक करता है तो दो आदमी कितना करेंगे, दो। तीसरे दिन 3 फुट काम होगा, चौथे दिन 4, पांचवे दिन 5, 6, 7। ठीक है, इस प्रकार से काम होता चला जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, इस प्रक्रिया चलती रहे तो कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे, 9। ये तो समझ में आएगा, एक कहां से आया, एक आदमी एक दिन एक करता है, अगले दिन दो आए तो 2 फुट काम होगा, अगले दिन 3 आए तो 3 बार काम होगा। इन सबको जोड़ो तो कितना आता है, 45 आता है। इसका मतलब क्या, 9 दिन में हमारा कितना काम हो गया, 45 फुट काम। अब अगले दिन कितना काम होगा, 10 आदमी आएंगे, 10वें दिन 10 आदमी आएंगे, 10 फुट काम होगा, जबकि हमारे पास काम कितना बचा है, 5 फुट काम कितना बचा है, 5 फुट, तो 5 फुट काम बचा है। ठीक है जी, और एक दिन में 10 हो रहा है तो कितना दिन लगेंगे, आधा दिन लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 9.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 9.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर समझो, 50 दिन में एक आदमी 50 दिन में करता है, एक दिन में एक, एक आदमी एक दिन में एक, तो दो आदमी 2 दिन में दो, 3 आदमी 3 दिन में 3, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो यहां तक हो गया 45, तो 9 दिन तो ये हो गए। ठीक है जी, 10वें दिन कितना काम बच गया, 50 में से 45 हो गया, 5 काम बच गया, 10वें दिन काम कितना हो रहा है, 10, तो आधा दिन ही लगेगा, तो ये आपके आ जाएगा 9.5 दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस भाषा समझनी है, क्वेश्चन काफी हार्ड नहीं है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, तीन आदमी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजे लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, और आगे वाले जितने भी वीडियो आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। देखो, तीन आदमी है ए बी सी से कार्य करने के लिए कहा गया, तो ए सभी दिन काम करता है, ए तो बोला कि मैं सारे दिन काम करूंगा, ठीक है साहब, पर बी पहले और दूसरे दिन काम करेगा, सी तीसरे और चौथे और पांच दिन काम करेगा, तो टोटल काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिन तक काम कर रहे हैं। तो मैं इसे देखता हूँ, इसी प्रकार डायग्राम, तो 1 दिन 2 दिन 3 4 और ये 5 दिन, ए इन 5 दिन काम करेगा, बात समझ आ गई। बी क्या करेगा, पहले और दूसरे दिन, बी पहले और दूसरे दिन काम करेगा, सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन करेगा, सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम पूरा करेगा। ये डायग्राम, तीनों अलग अलग कार्य को कितने समय में करेंगे, तीनों का अलग अलग बताना है। ठीक है, अगर बी और सी बिना बिना या ए आएगा बिना ए की सहायता के काम को 6 दिन में कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था कि बी और सी ना ए की सहायता के बिना ही उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं। बी और सी 6 दिन में कर लेते हैं, कैसे करें इस क्वेश्चन को, और ये आगे क्वेश्चन लाइन छूट गई है, बी और सी 2 दिन में, देखो बी और सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना कि ए अकेले
तीन दिन में करती है। ठीक है, अब देखो इन दोनों ने बी और सी ने कुल काम कितने दिन में किया, छह दिन में कर लेते हैं। अगर ये छह दिन में कर लेते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, नौ दिन में करेगा, नहीं करेगा। बात समझ में आ गई, फिर समझा देता हूं। बी और सी किसी काम को दो दिन में उतना काम करते हैं जितना कि ए तीन दिन में, मतलब इसके दो दिन का काम इसके तीन दिन के काम के बराबर है, और बी और सी पूरा काम छह दिन में करते हैं। अगर ये छह दिन में करेंगे तो ये नौ दिन में करेंगे, नहीं करेंगे, तीन गुना हो गया। ठीक है, अब आप ऐसे देखो, ए पूरा काम नौ दिन में और बी और सी पूरा काम छह दिन में। ये बात समझ में आ गई, यहां से ली गई है अपनी। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो यहां क्वेश्चन ले लेंगे, कितना आएगा भाई, 36, या इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 चौक 36 और ये आएगा 6। ठीक है, 18 ले लेते, और भी छोटा हो जाएगा, 18 ले लेते, इसे भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 3। ये 2 और 3 का बोलो क्या है, ए भाई साहब एक दिन में 2 फुट काम करते हैं और बी और सी भाई साहब एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। अब ये पूरा काम है, ए यहां भी काम कर रहा है, यहां भी काम कर रहा है, यहां भी काम कर रहा है, यहां भी काम कर रहा है और यहां भी काम कर रहा है। इसका मतलब इस ऊपर मिटा देता हूं, कैसे इसको निकालेंगे, तो ए ने यहां भी 2 फुट काम किया, यहां भी 2 फुट काम किया, यहां भी 2 फुट, यहां भी 2 फुट, तो कितना फुट काम हो गया, 10 फुट काम हो गया क्या, क्योंकि ए तो पांचों दिन काम कर रहा है और ए की कैपेसिटी एक दिन की कितनी है, 2, तो यहां पे क्या आ गया, 10। बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, 6, 3 3 फुट काम करते हैं, ये बी और ये सी एक दिन में 3, ये बी और ये सी एक दिन में 3। ठीक है, बात समझ में आ गई, बी और सी एक दिन में 3 करता है तो इसने बी और ये सी को मिलाएंगे तब एक दिन होगा। ठीक है, 3 हो गया, बी और सी 3 दिन, अब 3 दिन 6, 6 फुट ये काम हो गया, कितना बच गया, 2। इसका मतलब सी जो पांचवें दिन कर रहा है वो कितने फुट काम कर रहा है, 2 फुट काम कर रहेगा। ये 2 कैसे आए बेटा, दो 10 इस 18 में से 10 तो काम कौन कर रहा है, ए, बी सी, बी सी 2 को अटैच किया तो 6 आ गया, तो बच गया कितना, 16, 18 में 16 गए तो 2 फुट काम। ये 2 फुट काम कौन किसने किया, सी ने किया, बाकी काम वही क्या 16 फुट, और सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 फुट, तो सी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 2, तो सी की कैपेसिटी 2 आ गई, तो बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 1 आ गई, और ए की कैपेसिटी हमें दे रखा है कितनी, 2। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि सब अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, बहुत आसान हो गया, चलो ए कितने दिन में करेगा, ये कितना है, एक दिन में 2 फुट करता है तो 18 फुट 9 दिन में, चलो बी एक दिन में करता है तो 18 काम 18 दिन में, और सी एक दिन में कितना करता है, 2, सी एक दिन में कितना करता है, 2, तो 18 काम। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी क्या है, टिपिकल है, इस टिपिकल लैंग्वेज किस प्रकार से आप समझो बहुत आसान हो जाएगा कि 5 दिन में काम करते हैं, यहां में पता लग गया कि बी सी 2 दिन में जो काम करते हैं वो 3 दिन में, तो ये 6 दिन में करेंगे तो ये 9 दिन में करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये 10 फुट काम हो गया, बी सी 2 दिन, बी बी फिर सी सी सी, अब बी और सी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 3 3। अगला पांचवें दिन 2 फुट काम बचा और सी एक दिन काम कर रहा है, तो सी एक दिन में कितना कर रहा है, 2 फुट, तो इनकी क्या गई, कार्य संता गई। फिर आप क्या निकाल सकते हैं, इनके दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही लेंगे आज। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 25, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और जितने वीडियो आएंगे उसमें सब बड़े बड़े क्वेश्चन लिए जाएंगे। अब ए बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 12 दिन में और बी और सी किसी काम को 2 से 2/3 दिन में, सो क्या लिख सकते हैं अपन, 20/3 लिख सकते हैं क्या, ठीक है, 18/2 = 20। ठीक है, यदि ए आरंभ से इसे इस पर 3 दिन काम करता है, ए क्या करता है, आरंभ से 3 दिन काम करता है। ठीक है जी, 3 दिन काम कर लिया ए ने, कितने दिन काम कर लिया, 3 दिन, और तथा बी भी आरंभ से 4 दिन काम करता है। इसका मतलब स्टार्टिंग के 3 दिन तो ये काम हुआ क्या, नहीं हुआ, और ये जो अकेला एक दिन बच गया वो कौन करेगा, बी, तो बी के 4 दिन हो गए, ए के
3 दिन हो गए। अब आगे चलते हैं, बचे हुए काम को सी अकेले अगले 7 दिनों में पूरा कर देता है। ये सी को थोड़ा समझना, सी क्या है, सी ए के जाने के बाद आता है, इसमें थोड़ा सा अपने प्रिंट भी हुआ है। सी क्या होता है, ए के जाने के बाद आता है, ठीक है, तो सी ए जाने के बाद आता, तो ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये 1 दिन हो गया, ये 6 दिन हो गया। अब मैं डायग्राम को दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ए ने स्टार्ट किया 3 दिन, बी ने किया 4 दिन, तो ए के साथ तो 3 दिन करेगा, आराम से करे ना, 4 दिन 3 दिन ये, 1 दिन ये, और सी ए के जाने के बाद आता है, तो सी ए के जाने के बाद आ रहा है, तो 1 दिन तो बी के साथ करेगा और 6 दिन अकेले करेगा। इस डायग्राम को समझो, इससे आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम मतलब पूरे क्वेश्चन का सार यही है, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। यहां पर लघुतम क्या ले लेते हैं, 60, यहां पर आ देंगे तो 5, 60 में 20/3 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 9, ठीक है, पहले 20 का भाग दो 3 और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ गया। अब जो सर बोला गया वैसा से करो, ए और बी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन, ए और बी एक दिन में कितना करते हैं 5, तो 3 दिन में कितना फुट काम हो जाएगा, 15 फुट काम हो जाएगा। चलो जी ये बात समझ में आ गई। बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, 9, तो बी सी एक दिन करते हैं, एक दिन में 9 करते हो गए 15 और 9, यहां तक तो हिसाब पता लग गया, तो 15 और 9 कितने हो गए 24, तो 60 में से 24 काम हो गया, कितना बच गया 36, तो यहां से लेकर यहां तक तो जो काम है वो कितना है 36 फुट। अब इस 36 फुट काम को कौन करेगा, सी करेगा, और सी अकेला करता है, ठीक है, कितने दिन में करता है 6 दिन में। अगर वो 6 दिन में 36 फुट काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1 दिन में कितना करेगा 6 फुट ही करेगा ना, और 1 दिन में जो काम करता है उसकी क्या कहलाती है, कार्य क्षमता। 6 दिन में 36 तो 1 दिन में 6, बस क्वेश्चन आसान हो गया। तो सी 1 दिन में 6 करता है, ठीक है। अब यहां रखो आप इसको, बी और सी 9 करते हैं तो सी 6 करता है, 6 यहां से है तो बी के कितने आएंगे 3, तो इसका मतलब बी कितना करेगा 1 दिन में 3, बी 1 दिन में 3 करता है तो ए कितना करेगा 2, क्योंकि दोनों मिलकर कितना करते हैं 5 फुट। तो इसको बहुत इसको समझोगे ना तो सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा कि दोनों भाई 9 फुट करते हैं, तो ये बोलेगा बी अरे उस 9 में से सी बोल रहा है मैं तो 6 कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कितना कर रहा है 3, तो ये 3 यहाँ भी 3 करेगा और यहाँ भी 3 करेगा। ए बी बोल रहा है मैं 5 करता है, तो बी बोला ओ भाई साहब उस 5 में से 3 तो क्या है मेरे हैं, इसका मतलब तू 1 दिन में कितना करता है 2 करता है, ठीक है। अब आपको पूरा ये सॉल्व हो गया है, अब से लास्ट में पूछा क्या है, ए क्या उस काम कितने दिन में करेगा, ए की कैपेसिटी कितनी है 2, काम कितना है 60, कितने दिन लगेंगे 30 दिन लगेंगे। मेन चीज है क्वेश्चन का डायग्राम, ये चीज समझनी होती है और ये आपका बेसिक है, बस बेसिक आता है फिर क्वेश्चन की भाषा समझनी होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अब देखो इसको इस प्रकार समझेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूं, ये कोई काम है, ठीक है, इसका बेसिक समझाता हूं, ये एक चौथाई काम है, 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 मैं बोलूं ये एक चौथाई काम 4 दिन में होता है, कितने दिन में होता है 4 दिन, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, ये 4 दिन में तो ये भी 4 दिन में, ये भी 4 दिन में और यह भी 4 दिन में, तो टोटल कितना हो गया 16 दिन हो गया, ठीक है। हम इसको भी करेंगे 1/4 काम 4 दिन में करते, तो एक काम कितने दिन में करेंगे, तो आप इसको ऐसे ऊपर लेके जाओगे तो 4/1 आएगा, कितने दिन आएंगे 16 दिन। तो जब काम का फ्रैक्शन दे रखा हो तो इसको इस प्रकार से करते हैं, चलो इसको समझते हैं। अब बताओ राम 1/3 काम को कितने दिन में करता है 5 दिन में, तो 1/3 काम 5 दिन में हो रहा, तो एक काम कितने दिन में होगा 15 दिन में, तो राम पूरे काम कितने दिन में करेगा 15 दिन में। शाम जो भी है हरी 1/4 काम कितने दिन में करता है 4 दिन में, एक काम कितने दिन में करेगा 16 दिन में, ये हरी हो गया, हरी कितना आ गया 16 हो गया, बस 23 क्वेश्चन में है। अब इनका क्या कर लो आप, एलसीएम लेके इसको आगे करो, ये आपके लिए मैं आपको करके छोड़ देता हूँ, इनका एलसीएम लेना और जो आए इसका भाग देना है, ठीक है दोस्तों आगे।
अब इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन से और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है समझना। ए किसी काम का 1/4 भाग 4 दिन में पूरा करता है, तो आप ये बोलो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। भाई चौथाई काम 4 दिन में, तो पूरा काम 16 दिन। उसके बाद मतलब है ए ने 1/4 काम कर लिया, उसके बाद कौन आ गया? बी उसकी सहायता के लिए आ गया, और दोनों ने मिलकर वो पूरा काम कितने दिन में कर दिया? 6 दिन में कर दिया वो दोनों काम। तो ये काम तो कितने दिन में हुआ था? 4 दिन में, और ये काम हो रहा है आपका 6 दिन। अब ये बी और 6 दिन में उन्होंने पूरा काम कर दिया। अब ए ने 1/4 काम कर दिया, मतलब 4 में से एक काम कर लिया, तो बच गया कितना? 3/4, ये शेष रह गया। अब 3/4 काम ए और बी 6 दिन में करते हैं, तो मैं से बोलूं कि 6 दिन में कितना काम हो रहा है? 3/4 काम कितने दिन में हो रहा है? 6 दिन में। एक काम होगा ऐसे तो करोगे, कितने दिन में करोगे? इसका मतलब है ए और बी पूरा काम, अगर भाई 3/4 काम 6 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 8 दिन। यहां उसके बाद आ रहा है, मतलब एक तो 1/4 काम हो गया, बस गया कितना? 3/4। 3/4 काम कौन करेगा? ए और बी करेंगे। ए और बी 3/4 काम को 6 दिन में करते हैं, तो हमसे कुछ हम बोले भाई ए बी तुम पूरा काम कितने दिन में करोगे? 8 दिन में करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप क्या कर सकते हो? इसको सॉल्व कर सकते हो फटाफट। क्या लोगे? 16 और ये 1 और ये 2। ए और बी 2 फुट बनाते हैं, और ए बना रहा है 1 फुट, इसका मतलब बी भी कितने बना रहा है? 1 फुट, ठीक है। और कितना काम है? 16। तो कितने दिन लगेंगे? 16 दिन लगेंगे अगर बी अकेला इस काम को करेगा, ठीक है। सर मैं आगे सकता हूं, वीडियो को एक दो बार देखो, बहुत पहले कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि आपको जो क्वेश्चंस आए उनको उतारो, सॉल्यूशन निकाल लें आप उसको। आ देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, समझना कैसे करते हैं। देखो तीन आदमी है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड, एक्स इस काम को 8 दिन में, वाई 12 दिन में, और जेड 16 दिन में इस काम को पूरा कर देते हैं। अब सुनो पहले डायग्राम मेरा वही कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन का जो कह रहा है उसका डायग्राम बनाओ दिमाग में, ताकि आपको चीज रटे नहीं, ऐसा है ये कर लो, ऐसा है वो कर लो, ऐसा नहीं करना है। हर क्वेश्चन का डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि कभी भी आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सको। एक्स ने पहले एक्स ने 2 दिन काम किया, तो ठीक है जी, ये तो हो गया एक्स। कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया, ठीक है। फिर एक आता था, उसके बाद वाई ने उतने दिन काम किया, वाई ने उतने दिन काम किया, उसके बाद एक्स ने कर लिया, उसके बाद वाई आया है। वाई उतने दिन काम किया जब तक जेड के लिए 25% काम नहीं बच जाता, जेड के लिए 25% काम नहीं बच जाता। तो पहले वापिस इधर आते हैं, पहले यहां क्या ले लें जो हो जाए, ठीक है। 8, 12 और 16 का लघुत्तम कितना ले लें भाई? 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब 8 का भाग इसमें दोगे कितनी बार आएगा बोलो? 12 बार, 12 छीन में इसको बार दोगे तो 8 बार, और इसको बार दोगे तो 6 बार, हो गया। अब समझो एक्स ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। एक्स एक दिन में कितना करता है? 12, तो 2 दिन में करेगा 24 फुट का। ये सबको समझ में आ गया। जेड वाई जेड के लिए 25% काम छोड़ता है, तो 25% काम कितना होता है इसका? इसका 25% काम कितना होता है भाई? 96 का 25% मतलब 1/4 कितना हुआ? 24 फुट। वो कौन करता है? जेड करता है। 24 इसने कर लिया, 24 ने कर लिया, तो इसके लिए कितना बच गया? 48। टोटल काम कितना है? 96। ये 24 समझ में आया कि वाई जेड के लिए 25% काम छोड़ता है, मतलब है 24 फुट द्वार छोड़ देता है, क्योंकि 96 का 25% होता है 24। 24 ये रहा, 24 ये रहा, तो 48 का हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। वाई एक दिन में कितना करता है? 8। वाई के हिस्से में कितना फुट काम आया? 48। 48 में 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 6। 48 में 6 का भाग हो गया, सॉरी 48 में 8 का भाग हो गया तो 6, ठीक है। अब जेड की बारी, जेड के हिस्से में कितना आया? 24 फुट।
और जेड एक दिन में कितना करता है, 6, तो 24 में 6 का भाग दो कितना आएगा, 4 दिन। अब हमसे पूछा क्या है, पूरा कार्य करने में कुल कितने दिन लगेंगे, तो 2 दिन तो ये रहे, 6 ये रहे और ये रहे, तो 10 2 12, 12 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। बस समझ में आ गए, चलते हैं आगे। तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ आज, ठीक है, और इसके बाद जितने क्वेश्चन होंगे अच्छे होंगे, लेकिन उन अच्छा क्वेश्चन तब होगा जब आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो में मैंने पूरा बेसिक बताया है और अपना एडवांस क्वेश्चंस ले रहे हैं। पहले इस वीडियो को देखने से पहले अपना वीडियो फर्स्ट देखें, पार्ट फर्स्ट देखें, पार्ट सेकेंड, बाकी पार्ट चलेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है, समझो। किसी कार्य को ए उतने ही समय में करता है जितने के समय में बी और सी, बी और सी, मतलब है ये एक दिन लेगा तो ये भी एक दिन लेंगे, ये एक दिन ले रहा है और ये भी एक दिन लेंगे। अब देखो मैं एक चीज छोटी सी और लॉजिक बता देता हूँ, कार्य समता का उल्टा होता है दिन और दिन का उल्टा होता है कार्य समता। समता कैसे, जिस आदमी की कार्य करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो कार्य समता ज्यादा, दिन क्या लेगा कम, फटाफट कर देगा, और कोई आलसी है उसकी कार्य समता कम है तो दिन क्या लेगा ज्यादा, कार्य क्षमता कम है दिन तो दिन हो जाएगा ज्यादा, तो दिन का उल्टा कार्य क्षमता, कार्य क्षमता उल्टा दिन, तो ये इनके के आगे दिन, तो इसकी कार्य क्षमता निकाल दूं, ये भी होगी 1:1, ये एक उड़ बनाता है, इसको ऐसे बोलो अपने आप, ये एक उड़ बनाता है तो बी और सी भी कितने बनाते हैं, एक उड़, आगे चलते हैं। उस काम को करने में ए और बी, यदि ए और बी इस काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, ठीक है, ए और बी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 50 दिन में, ठीक है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा है, बी अकेला कितने दिन में करेगा। चलो जी यहाँ ले लेते हैं लघुगणक, कितना 50, ये कितना आया 5 और ये कितना आया 1। अब देखो समझो, बहुत सरल सा प्रश्न, ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 5, और सी करता है 1, तो तीनों भाई मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 6 फुट, 6 फुट काम करते हैं, और यहां इनके कामों को हमने बांटा है 1:1, तो 6 को बांटो ये 3 फुट करेगा और ये भी 3 फुट करेंगे, नहीं करेंगे, जितना काम बी सी करता है उतना ही ए करता है, और तीनों मिलके 6 करते हैं, तो 3 इनके आ गया और 3 इनके आ गया, बस इसमें इतना सा लॉजिक समझना, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, अब ये देखो ए 3 फुट काम करता है, ठीक है, तो बी कितना करेगा, 5 में से ए कितना करता है 3, तो बी कितना करेगा 2, और सी करता है 1, टोटल 6 हो गया ना, ठीक है, अब आंसर आ गया। हमसे क्या पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो काम कितना है 50 और बी की कार्य क्षमता कितनी है 2, तो काम में कार्य क्षमता का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है दिन, कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। थोड़ा सा लॉजिक समझो, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको देखो, बहुत आसान है, ए बी सी तीन, एक एक थे, टोटल काम 6 था तो मैंने 3 दिन बांट दिए, तो ये एक दिन में 3 करता है तो एक दिन में 2 करेगा, 2 कैसे आया, टोटल काम 5 है, 5 में से इसने 3 कर लिया तो बी के कितने हिस्से में आएगा, 2 फुट, एक दिन में 2 फुट, टोटल काम है 50, आगे 25। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 5 क्वेश्चन घर से करने के लिए दूंगा, और फिर वो 5 क्वेश्चन मैं अगले दिन बताऊंगा, फिर नए फिर 10 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, इस प्रकार से मैं चलेंगे ताकि आप भी घर पे थोड़ा सा दिमाग लगा सके, ठीक है, बहुत अच्छी सिस्टमेटिक ढंग से लेंगे, क्वेश्चन सारे लेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलो, नरेश कमलेश और राकेश 3 है, नरेश नरेश कमलेश और राकेश, अच्छा ऐसे ही नरेश कमलेश और राकेश दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है, नरेश है ना, कमलेश और राकेश से आधा काम करता है, इसका मतलब क्या होता है, तो अगर ये 2 काम करेंगे तो ये 1 काम करेगा, आधा काम हो गया, ये कार्य क्षमता हो गई, ये दोनों भाई तुम 2 फुट काम करोगे तो भैया मैं तो आधा ही काम करूंगा, मतलब 1 करूंगा, तुम 4 करोगे तो मैं 2 करूंगा, तुम 6 करोगे तो मैं 3 करूंगा, आगे चलते हैं। यदि नरेश एक कार्य को अकेले 12 दिन में करता है, सिंपल सी बात है, नरेश एक दिन में कितना काम करता है 1 फुट, और 12 दिन अकेले किया तो मतलब टोटल काम कितना हो गया 12, ये क्या है पूरा काम, टोटल वर्क आ गया, क्या कैसे आया, कोई आदमी एक दिन में एक करता है तो 12 दिन में 12 फुट काम करेगा,
सब मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो सब मिलके ये 1 करता है और ये 2 करता है, सब मिलके कितने हो गए 3 फुट, तो 12 फुट काम है और सब मिलके एक दिन में 3 करते हैं तो कितने दिन आएंगे 4 दिन, तो सब मिलके उस काम कितने दिन में खत्म कर देंगे 4 दिन में खत्म है। अब मैं ये 5 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 देखो, मैं 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं और ये 5 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा, ठीक है, और अगले दिन मैं कल जो वीडियो आएगा उसमें 5 क्वेश्चन पहले बताऊंगा फिर 5 क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, एक दिन में मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो भाई वीडियो बड़ा हो जाता है फिर आप भी बोर हो जाते हो, तो इस क्वेश्चन को देखो समझो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना, ठीक है, 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं या बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं, ए ने 5 दिन तक काम किया उसके स्थान पर कौन आ गया, सी भी शामिल है, इसे थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है, देखो इसकी पिक्चर बना देता हूँ बाकी आप करना, ए ने 5 दिन तक काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ 5 दिन लिख देता हूँ, ठीक है जी, फिर 5 दिन के बाद ए के स्थान पर सी शामिल हो जाता है, ए के स्थान पर सी शामिल हो जाता है, सी को जोड़ दिया, ठीक है, बी आरंभ से 7 दिनों तक, तो आरंभ से इसका मतलब है बी इसके साथ ही काम करेगा, कितने दिन काम करेगा 5 दिन, और इसने टोटल काम कितने दिन किया 7 दिन, तो 5 तो ये और 2 ये, यस है, तो देखो आरंभ से ए का हो गया 5 दिन और आरंभ से बी का हो गया 7 दिन, ए जब चला जाता तो कौन आ गया सी आ गया, ठीक है, तो बी और सी ने 2 दिन, अब सी अकेला कितने दिन में करता है 13 दिन में, 13 दिन में करता है, तो 2 दिन ये तो कितने बच गए सी के लिए, 13 दिन मतलब 11 दिन, 11 दिन इसके बच गए, ठीक है, तो ए बी 5 दिन करेंगे, बी सी 2 दिन करेंगे और सी अकेला उस काम बचे हुए काम को 11 दिन में करेंगे, तो ये इसकी पिक्चर हो गई है। चलो इस क्वेश्चन में करा देता हूँ, ठीक है, चलिए तो पूरा ही बता दिया तो आपके लिए क्या छोड़ूंगा, ए बी 12 दिन में, बी और सी कितने दिन में 16 दिन में, अब ये पिक्चर मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्वेश्चन का डायग्राम आपके दिमाग में बनना चाहिए। अब यहां क्या ले लेंगे 48, ये कितना आएगा 4, ये आएगा 3, बस अब देखो ए बी एक दिन में कितना करते हैं 4, कितने दिन काम किया 5 5 20 हो गया, बी और सी एक दिन में कितना करते हैं 3 और कितने दिन काम किया 2 दिन, कितना काम हो गया 6, 20 और 6 26, 48 में से 26 फुट काम का हमें पता है किसने किया है, तो ये 22 फुट, ये फुट है काम है जी, ठीक है, 22 फुट काम कौन करता है सी, कितने दिन में 11 दिन में, 11 दिन में 22 करता है तो एक दिन में, सब बोलोगे कितने दिन में, एक दिन में 2 फुट, भाई 11 दिन में आप 22 फुट काम करते हो तो एक दिन में आपकी कैपेसिटी हो गई 2, तो सी की कैपेसिटी कितनी है 2, अब सी की कैपेसिटी 2 है तो बी की कैपेसिटी 1 हो जाएगी क्या, और बी की कैपेसिटी 1 हो गई तो ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3, 4 में से गया तो 3, बस अब उसके बाद आप चलो क्वेश्चन नंबर 33, तो मैंने आपको 31 करने के लिए दिया है, ठीक है, 32 मैंने करा दिया है, 33 देखो, 32 आपको घर से करना है, 31 करना आपको ना, यदि किसी काम को बी को ए और सी के साथ मिलकर जितने समय लगता है वही चीज सेम है करके कोशिश करना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ये क्या क्वेश्चन, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है, अब दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं 31 और 33, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं, देखो ए किसी काम को शुरू करता है, ठीक है, 2 दिन काम किया और छोड़कर चला जाता है, उसके बाद कौन आया बी आया और पूरा काम उसने उस काम को 9 दिन में कर दिया, इसको ए ने 2 दिन काम किया, बचे हुए काम को बी ने कितने दिन में किया, बचे हुए काम को 9 दिन में किया, ये नहीं कह रहा था ए किसी काम को 2 दिन में करता है, ए ने 2 दिन काम किया, ए चला गया, बी आया, फिर उसने 9 दिन में काम को पूरा किया, अब ये कह रहा है यदि दूसरी कंडीशन है, यदि ए उस काम को 3 दिन में करता और बचे हुए काम को बी
कितने दिन में? 6 दिन में करता हूं, 6 दिन में करता हूं। अब बताओ क्या करें? तो बी अकेला कितने दिन में काम को समाप्त होता? कुछ भी नहीं दे रखा मैं, तो इसमें लॉजिक ढूंढो। लॉजिक क्या ढूंढोगे आप? कि ए भाई साहब ने 1 दिन बढ़ाए, ए भाई साहब ने 1 दिन बढ़ा दिया, पहले तो ये एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में 2 दिन काम कर रहा है तो ये 9 दिन कर रहा है, ये 3 दिन कर रहा है तो ये 6 दिन कर रहा है। तो इसका 1 दिन बी के कितने दिन कम हो गए? 3। तो बी बोल रहा है यार तू मेरी जगह काम कर ले, एक दिन और कर ले यार। बी बोला इसको 1 दिन तू और करेगा तो मेरे 3 दिन कम करना पड़ेगा। इसका मतलब है इसके 1 दिन का काम इसके 3 दिन के काम के बराबर, तो ये दिन हो गए, कितने हो गए? दिन। दिन को उल्टा करोगे तो कार्य क्षमता, ये किसी काम को 3 दिन में करता तो 1 दिन में करता, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी 3 है और इसकी कैपेसिटी 1 है बस। अब इसको आप ऐसे पढ़ो, कैसे पढ़ो? कि ए भाई साहब 1 दिन में 3 फुट बढ़ाते हैं और बी भाई साहब 1 दिन में 1 फुट बढ़ाते हैं। अब हमसे पूछा कि पूरा काम बी से अकेले से कराए, चलो ये ए 2 दिन में कर रहा है और ए 1 दिन में कितना बढ़ाता है? 3 फुट काम करता है, और कितने दिन काम किया? 2। इसका मतलब यहां काम कितना था? 6 फुट। भाई ए ने यहां 2 दिन काम किया और ए की कैपेसिटी कितनी है? 3, तो यहां पे कितना काम था? 6। ये 9 दिन तो उसको बी को लगी रहे हैं। अगर ये 6 फुट किसे, 6 बी से करवाते, मतलब पूरा काम ये है तो बी 1 दिन में करता है तो 6 फुट कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा? नहीं करेगा। तो बी को पूरा कितना समय लग गया? 9 और 6 15। इधर ले लो चाहे से, इसमें भी ले सकते हो। बी 1 दिन में एक 3 दिन करता है, 1 दिन में कितना करता है? 9। तो यहाँ 9 फुट काम होगा और ये 9 फुट काम को ये बी करे, ये सब बी ने किया गया, ये भी बी करे तो कितने दिन लेगा? 9 दिन ही लेगा, क्योंकि बी 1 दिन में करता है। 6 और 9 15 आंसर आ गया। ठीक है चलो आगे। अब क्वेश्चन नंबर 35, चलो ये इजी सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो, बताऊं? चलो बता देता हूं, चलो मेरी भी इच्छा रहती है बताने की। ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन। यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा काम करता है, दुगुना अच्छा मतलब इसकी कार्य क्षमता सी की तुलना में, सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा काम करता है, ऐसे बोलो। यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा काम करता है, उसको अपनी भाषा में लेके जाओ कि भैया तू सी 1 फुट काम करेगा तो मैं 2 करूंगा, मैं दुगुना अच्छा काम करता हूँ, मेरी कैपेसिटी तेरे से क्या है? दुगनी है। हो गया, तो उस काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। ध्यान क्या ले ले भाई, बोलो। लेसन ले लो और क्या लोगे? ध्यान क्या ले लेंगे? 60। ध्यान क्या देंगे? 5। ध्यान देंगे 4। अब देखो इसको ऐसे पढ़ो, सी 1 दिन में कितना करता है? 1 फुट। अगर 4 में से सी 1 फुट करता है तो बी की कितनी सी आएगी? 3 फुट। बी अगर 3 फुट करता है, 5 में से बी ने 3 किया तो ए कितना आया? 2। ये कह रहा है ना, अगर सी ए करता तो ये ए कितना करेगा? 2। तो बी की कितनी आएगी? 3 3 आएगी? नहीं आएगी। लॉजिक पकड़ो और एक एक मुंह से लैंग्वेज निकालो कि सी 1 दिन में 1 फुट काम कर रहा है, बी ए 1 दिन में 2 फुट काम करता है। अगर ये चीज समझ में आ गई, ये बोलना सीखो आप, तो अब देखो सी ए करता है, अभी 4 में से सी ने 1 किया तो बी 3 ही करेगा, और बी अगर यहाँ बी यहाँ भी 3 करेगा, यहाँ भी 3 करेगा, बी तो बी है, यहाँ 3 करेगा तो ये कितना करेगा? 2। पूरा काम बी कितने दिन लगाएगा? बी बी का ही ना, बी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 3। तो 60 में 3 का भाग दे दो तो आंसर देगा 20 दिन। तो मैंने आपको सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन दिए हैं, वो आप करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन कौन से मैं दिए रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है मैंने, शायद 33 दिया है। ठीक है, ये मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर डालें, मैं इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ही डालूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहो, मैं आपको इस टॉपिक के हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा, ताकि इस टॉपिक में आपको एक भी नंबर ना कटे। ओके बाय।